वेलकम टू आवर किचन, दिस इज शमा, आई एम इशिता और आज हम बनाने वाले हैं समोसा एंजेली। सो वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल द स्टेप्स एंड सबसे पहले हम समोसा का डो बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी आर मेकिंग समोसा डो, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक 3 bowls ऑफ मैदा। इसमें डालेंगे हम अराउंड 7 to 8 spoons of oil, okay? See, we never said it's not fattening, okay? You can add salt as per your taste. Be careful, the stuffing inside will also have salt. So don't add too much. And now we're going to mix it. I think abhi acche se chipak raha hai. Aap dekh sakte hain. Also the whiteness will turn into little yellowish. Ab hum isme add karenge water. प्लीज बी केयरफुल, बहुत धीरे धीरे आपको पानी डालना है। अच्छे से मसलना है, मिक्स इट रियली वेल। यू कैन क्लीन द प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स बिफोर डूइंग दिस। देखो कितना अच्छे से हो गया ये। एंड देन वी गो कवर इट विद अ डैम्प क्लॉथ, इसे कवर करके इसमें रख देते हैं और फॉर 15 to 20 minutes। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द मसाला। हमने आलू बॉईल किया है, दिस इज रफली 8 to 9 आलू, डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी समोसा वी आर मेकिंग। इसको बॉईल करके हमने फ्रीज किया एंड फिर उसको पील करके देन वी मेड अ मैश आउट ऑफ इट। ओके, नाउ हम लोग मसाला मिक्स करेंगे। सॉफ 1 spoon इज कस्तूरी मेथी, इसको भी हम 1 चम्मच लेंगे। दिस अखा धनिया का वी मेड अ पाउडर आउट ऑफ इट 1 spoon। देन यू एड भुना हुआ जीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, अदरक मिर्ची का पेस्ट हमने बनाया है अबाउट अ स्पून, गरम मसाला, आमचूर पाउडर। सो नाउ वी गोना मिक्स दिस एंड वी स्टार्ट मेकिंग द मसाला। इसके लिए आपको ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए, इसमें मे बी 2 spoon शुड सफाइस। ये आपका जीरा डाला हमने, हिंग पाउडर maybe around 1/4 teaspoon should be good। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एंड देन हम डालेंगे उसमें मटर। ठीक है, फ्रोजन मटर ऑल्सो एंड जस्ट पुट एंड लेट इट कुक योर। अब इशिता ने जो मसाला बनाया था वो डालेंगे, मुझे ऑलरेडी इसकी स्मेल आ रही है मसाले की। पूरा मसाला अच्छे से मिक्स होना चाहिए इसमें। स्टफिंग रेडी है, वी स्टार्ट मेकिंग। So this we kept this dough in the damp cloth. Let's open and see what has happened. ये थोड़ा और soft हो गया है क्योंकि हमने इसे damp cloth में रखा था। Let's take off. Okay. हम इसे cut करेंगे and हम इसे ऐसे काटेंगे। ओवल शेप में देंगे बिकॉज इट इज मेगा, दिस विल अगेन बी अ लिटिल स्मॉल, सो आपको इसको अच्छे से कस के देना है। एंड यस अ लिटिल ओवल, देन वी कट दिस इनटू हाफ। सो इसके साइड्स पे ऑल 3 sides वी पुट वाटर एंड नाउ टू स्टिक दिस साइड दिस वाइन लाइक दिस। ओके, और इसे आप अच्छे से फिंगर से प्रेस कर दीजिए, अगर ये सील हो गया। डोंट पुट टू मच ऑफ स्टफिंग, थोड़ा जगह भी उसमें थोड़ी सी जगह खाली रखिए। ओके, सील द साइड खींच के
प्रेस करना साइड को. ये हमारा समोसा. The samosa is ready and I'm going to put it on a plate with tissue paper. Just drain the extra oil. Yay! So, ab hum jalebi bana rahe hain. The first step towards making jalebi is making the sugar syrup. Taken 2 cup of sugar, 1 cup pani. Usko humne ubala hai and this is the consistency jo aana chahiye. Humne isme color nahi dala hai. So, we have added saffron and a little bit of elaichi powder. जब जलेबी हम बनाएंगे तो इमीडिएटली पुट द जलेबी इन दिस वाटर. सो नाउ शमा गोना कम एंड शी विल स्टार्ट मेकिंग द बैटर ऑफ द जलेबी. 2 कप्स ऑफ मैदा, 2 स्पून्स ऑफ घी एंड इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे. इसमें डालेंगे हम 1 packet of Eno. We're going to add water, but very slowly, okay? So the consistency is good now and Ishta, you know what, I'm really nervous. Why don't you try it? Okay, I mean, not the best person to do this but I will try. But yeah, Ishta really makes yummy that rasmalai, so you know, Mithai is her department. Are you putting in this? Oh yeah. So there's a trick. Now obviously हम हलवाई तो है नहीं, हमारे पास सामान है नहीं बनाने का. So we thought we're going to use an empty ketchup bottle which looks like this and we're going to fill it up with the batter and then turn it. इसका बोल के दिखाई देता ना कैसे करते. चलो, let's show them how it's done. And that's how we do it. Oh my god, my mother is going to be so proud of me.